राम मंदिर पर अमरनाथ मिश्रा के आरोपों पर नदवी का पलटवार, कहा इस इंसान की तो 5 रुपए की भी औकात नहीं है। राम मंदिर विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने की कवायद में शामिल होना मौलाना सलमान नदवी को भारी पड़ रहा है। पहले तो उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और अब श्री श्री रविशंकर के एक करीबी ने नदवी पर राम मंदिर के लिए डील करने का आरोप लगा दिया। हालांकि नदवी ने भी मिश्रा के आरोपों पर पलटवार किया है। दरअसल हिंदी न्यूज चैनल आज तक के एक कार्यक्रम के दौरान सलमान नदवी ने अमरनाथ मिश्रा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ मिश्रा को न तो जानता हूँ न ही इनसे कभी मिला हूँ। मौलाना नदवी ने कहा कि मुझे अगर मांगना होता तो मैं मोदी योगी से मांगता, इस इंसान की तो 5 रुपए की भी औकात नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी एक जुबान पर सऊदी अरब और कतर से लेकर दुनिया के कई देशों में मौजूद दोस्त मेरे लिए सोना और दौलत न्योछावर कर देंगे। अयोध्या में मक्का की तरह मस्जिद बनाने वाली कथित डील पर नदवी ने कहा कि इस तरह की डील तो हुकूमतें ही कर सकती हैं, लेकिन क्या सरकार अयोध्या को मक्का बनाना चाहेगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पैसे की डील करनी होती तो मैं पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से करता, जिनके पास सब कुछ है। ये तो बेचारा भिखारी है और इसका दिमाग भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री श्री से भी अमरनाथ को उनके पद से हटाने और भविष्य में उन्हें वहां नहीं भेजने की अपील की। हालांकि अमरनाथ मिश्रा के आरोपों के बावजूद नदवी ने अयोध्या विवाद के समझौते की अपनी कोशिशें जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को अयोध्या में मीटिंग के बाद ही ये तय होगा कि आगे किस तरह से इस मामले पर बढ़ना है। आपको बता दें कि इससे पहले श्री श्री रविशंकर के करीबी अमरनाथ मिश्रा ने नदवी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मिश्रा के आरोपों के मुताबिक नदवी ने राम मंदिर के नाम पर मस्जिद का दावा छोड़ने के एवज में 5,000 करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की एक सीट मांगी थी, जिसे नदवी ने सिरे से खारिज कर दिया। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।